नमस्ते। तो आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी औषधि के बारे में, आयुर्वेद की एक ऐसी बेहतरीन औषधि के बारे में जो कि हमारे ब्रेन पर काम करती है और ब्रेन के साथ साथ, यानी कि आपको ब्रेन से जुड़ी समस्या है और उस समस्या के कारण, यानी कि ब्रेन की समस्या के कारण आपको पाचन से जुड़ी समस्या होती है, आपको नपुंसकता हो गई है या शरीर के अन्य अन्य अंगों में आपको समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग कैसे करें। इस औषधि का प्रयोग किया जाता है लीवर से जुड़ी समस्या में, इसका प्रयोग किया जाता है किडनी से जुड़ी समस्या में और ऐसी अलग अलग चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि वह औषधि कौन सी है। वह औषधि है जटामासी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जटामासी प्रयोग करने का सही तरीका क्या है, इसको लेने के कौन कौन से फायदे होते हैं, आयुर्वेद के ग्रंथों में इसकी प्रॉपर्टीज क्या बताई गई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका नेचर क्या है। आयुर्वेद में कहा गया है कि यह तासीर में ठंडी है, यह चिकनी होती है यानी कि स्निग्ध होती है, यह तीक्ष्ण होती है यानी कि यह शरीर में तोड़ फोड़ करने का काम करती है, यानी कि यह भेदन करने का काम करती है। रस की बात करें तो जटामासी में कड़वा, कशैला और मीठा, ये तीन रस मौजूद होते हैं। और अंत में वात, पित्त और कफ की बात करें तो यह वात, पित्त और कफ त्रिदोष नाशक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसको लेने का सही तरीका क्या है, यानी कि इसका प्रयोग किस तरह से हम कर सकते हैं। इसका प्रयोग आपको करना है दिन में दो बार। आप कर सकते हैं खाली पेट, यानी कि सबसे पहले आपको सादा पानी पीना है यानी कि उषा पान करना है। उषा पान करने के बाद आप फ्रेश हों यानी कि पेट साफ करने जाएं, और पेट साफ करने के बाद जो व्यायाम होता है या जो प्राणायाम होता है वो करें और फिर इसके बाद इसका सेवन करें। कितनी मात्रा में कर सकते हैं? आप कर सकते हैं 1/4 से आधा चम्मच, करना है आपको सादा या गुनगुने पानी के साथ। और दूसरा, इसी तरह से इसका प्रयोग करना है सोने से पहले, या आप कर सकते हैं शाम के खाना खाने के बाद यानी कि आधे घंटे बाद। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसको लेने के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है कि इसको लेने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, हमारी जठर अग्नि की वृद्धि होती है, विशेष करके ऐसे व्यक्ति जिनको खाना खाने की इच्छा नहीं होती या भूख नहीं लगती, तो ऐसी स्थिति में इसका सेवन करना फायदेमंद होगा। और जाने तो जिनको ब्रेन से जुड़ी समस्या है यानी कि मन से जुड़ी समस्या है, बहुत चिंता करते हैं या बहुत चिंता होती है, बहुत शोक होता है, हमेशा मन उदास रहता है या डिप्रेस रहता है, तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों के लिए इसका सेवन करना फायदेमंद होगा। जिन व्यक्तियों के बाल झड़ते हैं या जिनको सफेद बाल की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में भी इसका सेवन करना फायदेमंद होगा। पेट में बहुत गैस बनती है या पेट में कुछ गोल गोल घूमता है, ऐसा लगता है कि जो गैस जहाँ से निकलनी चाहिए वह वहाँ से न निकलकर पेट में ही गोल गोल घूम रही है, तो भी ऐसी स्थिति में इसका सेवन करना फायदेमंद होता है। जिन व्यक्तियों को अपनी स्मरण शक्ति बढ़ानी है या याददाश्त शक्ति बढ़ानी है, ये ऐसे व्यक्ति जिनको बार बार भूलने की समस्या है, बार बार कोई भी चीज भूल जाते हैं, विशेष करके यह स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो इसीलिए अगर आपको अपनी याददाश्त शक्ति बढ़ानी है तो ऐसे में इसका सेवन करना फायदेमंद होगा। हृदय की कमजोरी में इसका सेवन करना फायदेमंद होता है, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे हृदय को बल मिले तो ऐसे में भी इसका सेवन करना फायदेमंद होगा। शरीर में अगर व्यक्ति को सूजन हो जाती है यानी कि एडिमा हो जाता है, तो उस सूजन को कम करने के लिए इसका सेवन करना फायदेमंद होता है। जिन व्यक्तियों को नपुंसकता की समस्या है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, लिंग खड़ा नहीं होता, लिंग में उत्तेजना नहीं आती, तो भी ऐसी स्थिति में इसका सेवन करना फायदेमंद होगा। जिन व्यक्तियों को मूत्र खुलकर नहीं आती, यह क्या करता है कि हमारे यूरिनरी सिस्टम पर यानी कि हमारे मूत्र स्थान पर विशेष करके इसका फायदा देखा जाता है, जिससे क्या होता है कि मूत्र खुलकर आती है। तो दोस्तों ये रहे जटामासी का सेवन करने के कुछ मुख्य मुख्य फायदे। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।